नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइफ इन नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे मेडिकल फील्ड के मोस्ट पॉपुलर कोर्स, मोस्ट कैरियर डिमांडिंग कोर्स डीएमएलटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीएमएलटी के बारे में और डीएमएलटी से जुड़ी एक एक बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वाइफ इन नॉलेज वर्ल्ड की ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आज डीएमएलटी से जुड़ी कौन कौन सी बातें आपको बताने वाले हैं इसको आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डीएमएलटी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसकी योग्यता क्या होती है, इसमें फी कितना पे करना होता है, इसके एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितनी बुकें आपको पढ़नी होती है, इसका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब स्कोप है और भी जुड़ी इससे सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। ये 2 साल का कोर्स है, इसमें कुल 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं, यानी हर साल आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। इसको मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डीएमएलटी की योग्यता के बारे में। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, यानी 12वीं आपका पीसीएम या पीसीबी दोनों में से किसी भी ग्रुप से आप पास हैं तो आप कर सकते हैं इसको, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप दोनों ग्रुप के स्टूडेंट कर सकते हैं इसको। 12वीं आपका पास होना जरूरी है और 12वीं में आपके 45 से लेकर 50% तक मार्क्स होने जरूरी है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि डीएमएलटी करने में कितना खर्चा आता है, यानी फी कितनी होती है डीएमएलटी की। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की जो डीएमएलटी की फीस होती है वो 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक होती है 1 साल की, और वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उनकी फीस 60,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक होती है। बहुत सारे कॉलेज से मेरी बात हुई थी और उनके फी लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 2 किस्तों में पूरी 1 साल की फीस ले लेते हैं, और कुछ कॉलेज एक ऐसे हैं कि जहां पे आपको पूरी साल की फीस एक ही बार में देना होता है, और कई सारे कॉलेज ऐसे थे जो मंथली फीस लेते थे। यानी एक बार मेरी कॉलेज से बात हुई थी जिसमें उनकी फी जो थी वो 4,000 पर मंथ के हिसाब से वो लेते थे, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हैं तो आपको 60,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक फीस हो सकती है, और जो थोड़ा बढ़िया कॉलेज होते हैं वो 1,00,000 रुपए तक फीस ले लेते हैं पर साल की, यानी पर ईयर की। और इसमें उनको थोड़ा फायदा ये होता है कि आपको वो लैब की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल कराते हैं जिसमें आपको सीखने के थोड़े ज्यादा मौके मिलते हैं। वहीं अगर कोई कॉलेज ऐसा है कि बहुत कम चार्ज कर रहा है तो उनमें ये क्या होता है कि लैब कम होती है, यानी लैब की क्लासेस उतना प्रॉपर आपको नहीं चलाई जाती है जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि डीएमएलटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो कुल इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके होते हैं जिनसे आपको एडमिशन मिल सकता है डीएमएलटी में। पहला तो ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम होते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो एक स्टेट में 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसमें 30 या 60 सीटें होती हैं। वहां पे एंट्रेंस होता है और अपने अपने कॉलेज का अलग अलग तरीके से एंट्रेंस इनका होता है, और बेसिक आपके जो 12th लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं, और जो लोग एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उनको एडमिशन मिल जाता है। वहीं कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो मेरिट के आधार पे एडमिशन देते हैं, इसमें कुछ एडेड कॉलेज हैं जो मेरिट के आधार पे देते हैं, कुछ प्राइवेट रेपुटेटेड कॉलेज भी हैं जो पहले मेरिट आपके देखते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, इसके बाद ही आपको एडमिशन देते हैं। इसके बाद कुछ कॉलेज ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज ये हैं, जहां पे आप डीएमएलटी में आप डायरेक्ट डोनेशन देके अपनी फी अदा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि डीएमएलटी में स्कोप क्या है। तो दोस्तों देखिए डीएमएलटी में बहुत ही अच्छा स्कोप है, ये बहुत ही एक आपको कह सकते हैं कि रियायती रेट में एक अच्छा डिप्लोमा कोर्स है, और ये कोर्स ऐसा है जिसमें यही एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आप लाखों कमाने की सोच सकते हैं। ये कैसे आप कर सकते हैं पॉसिबल इसको जरा समझ लीजिए। दोस्तों डीएमएलटी में गवर्नमेंट वैकेंसी तो आती ही आती है, आप प्राइवेट भी किसी लैब में जॉब कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने 1 साल कहीं बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया किसी लैब में, अच्छी लैब में जाके आपने सीख लिया, तो इसका आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आप खुद की लैब एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो लैब होती है इनकी डिमांड कभी घटने वाली नहीं है, दिन प्रतिदिन लैब की संख्या बढ़ती जाएंगी और इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप तो जानती होंगे कि मेडिकल में कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जहां पहले आपको लैब ना भेजा जाता हो चेकअप करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके किसी हॉस्पिटल में अपनी लैब सेटअप कर लेते हैं, तो यहां पे आपको 1,00,000 से लेकर 5,00,000 रुपए प्रति मंथ तक, या मैं अगर अच्छे से कहूं बड़े शहरों में 10,00,000 रुपए प्रति महीने की आप कमा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना आप एक्सपेंड अपने आप को करेंगे आप करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपनी लैब भी खोल सकते हैं जहां पे आप अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और लोगों की जनहित में सेवा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डीएमएलटी के सिलेबस को देख सकते हैं
कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको इस तरीके से 5 बुक पढ़नी पड़ती है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश ये एडिशनल बुक होती है, बाकी आपकी 4 जो होती हैं कोर सब्जेक्ट की बुक होती हैं, और हर सेमेस्टर में आपको 2-2 बुक पढ़नी होती हैं। इन बुक के नाम आपको दिए गए हैं। ऐसे DMLT सेकेंड ईयर की जो बुक हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी कुल आपको 4 सब्जेक्ट मेन रूप से पढ़ना होता है, और जो लास्ट में जो इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है ये एडिशनल बुक है, और ऊपर की जो 4 हैं उनमें से 2 तीसरे सेमेस्टर में और 2 चौथे सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ऐसे ही DMLT गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है गवर्नमेंट कॉलेज की, आप देख सकते हैं, और उसके साइड में जो ब्रैकेट में हमने ये भी दे रखा है कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं। तो इतनी लिस्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी ताकि आप कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें, चुन सकें, कॉलेज के बारे में और भी पता कर सकें। और कुछ लिस्ट मैंने यहाँ भी दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, और आप इनमें से सेलेक्ट करके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि DMLT वाले करते क्या हैं। तो दोस्तों DMLT करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बनेंगे, और लैब टेक्नीशियन का काम होता है सैंपल को कलेक्ट करना, ब्लड को कलेक्ट करना, यूरिन को कलेक्ट करना, हार्मोन्स को कलेक्ट करना, और उसमें आपको अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उनका कंपोजिशन जो होता है उसके रेटिंग बनानी होती है, परसेंटेज उसके लिखने होते हैं, उसको आपको टेस्ट करना होता है अलग अलग तरीके के, उसमें इंडिकेटर्स डाल के उनको पता करना होता है उनके कलर चेंजेस के आधार पे, और बहुत सारी मशीनें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनको आपको यूज करके सैंपल्स के पूरी डिटेल देनी होती है। तो दोस्तों बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्क होता है, आपको कोई बुल्की काम यहाँ पे नहीं करना होता है, और ये कोर्स आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वाईफाई नॉलेज वर्ड के ऐसे और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों किसी भी कैरियर काउंसलिंग के लिए, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए, या DMLT में एडमिशन लेने से लेके कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, या आप मुझसे सीधे अगर मोबाइल फोन पे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके फॉर्म को भरिए, और फॉर्म भरने के बाद आपकी सीधी बात मुझसे हो पाएगी, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।